वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हब ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। टुडे वी विल टॉक अबाउट द समरी ऑफ हैमलेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सो लेट्स स्टार्ट। इट्स अ फुल टाइटल इज द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इट्स अ ट्रेजडी, सेटिंग इसकी डेनमार्क में है। इट वॉज रिटन इन 1599 to 1602। इट वॉज पब्लिश्ड 3 times, फर्स्ट इन 1603, सेकेंड इन 1604 एंड थर्ड इन 1603। लिटरेरी पीरियड इसका रिनेसेंस और एलिजबन एज है। हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, हैविंग 29,551 वर्ड्स एंड 4,042 लाइंस। अब इसके मेजर करेक्टर्स की बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है हैमलेट। ही इज द हीरो ऑफ द प्ले एंड प्रिंस ऑफ डेनमार्क एंड सन ऑफ लेट किंग हैमलेट एंड गर्ट्रूड, हु इज द प्रेजेंट क्वीन एज वेल एज वाइफ ऑफ प्रेजेंट किंग क्लाउडियस, हु इज अंकल ऑफ प्रिंस हैमलेट। ही इज ऑफ 30 एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। जब प्ले स्टार्ट होता है तो ये विटनबर्ग की यूनिवर्सिटी से वापस आता है। नेक्स्ट वन इज क्लॉडियस, ही इज द प्रेजेंट किंग ऑफ डेनमार्क, विलन ऑफ द प्ले एंड अंकल ऑफ हैमलेट एंड ब्रदर ऑफ लेट किंग एंड हस्बैंड ऑफ गर्ट्रूड। उसके बाद जो मेन करेक्टर है वो है गर्ट्रूड का। शी इज द मदर ऑफ हैमलेट, हु इज रिसेंटली मैरिड टू क्लॉडियस। शी इज अ वीक वीमन और वी कैन से लस्टी वुमन बिकॉज शी मैरिड अगेन इन नो टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ लेट किंग ऑफ डेनमार्क। नेक्स्ट इज पोलोनियस, ही इज द लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफ द कोर्ट ऑफ क्लॉडियस एंड फादर ऑफ ओफेलिया, बिलवेड ऑफ प्रिंस हैमलेट एंड सिस्टर ऑफ लैर्टीज। नेक्स्ट वन इज ओफेलिया, शी इज द मदर ऑफ सॉरी शी इज द मोस्ट इनोसेंट हीरोइन ऑफ शेक्सपियर। शी इज वेरी स्वीट एंड डॉटर ऑफ पोलोनियस एंड सिस्टर ऑफ लैर्टीज। शी गेट्स मैड इन द कोर्स ऑफ द प्ले एंड कमिट्स सुसाइड इन द रिवर वाइल हैविंग फ्लावर्स इन हर हैंड्स। लेकिन इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि शायद वो डूब गई थी, उसने सुसाइड नहीं किया था, लेकिन मोस्टली यही कहा जाता है कि उसने सुसाइड किया। नेक्स्ट वन इज लैरिटीज, ही इज द ब्रदर ऑफ ओफीलिया एंड सन ऑफ लोनियस। ही इज स्टडिंग इन फ्रांस, ही इज अ फॉयल फॉर इंडिसिसिव हैमलेट, ही फाइट्स अ ड्यूअल विद हैमलेट एंड डाइज एट द एंड ऑफ द प्ले। ये ड्रामे के शुरू में ये एल्सिनोर जो पैलेस है इसमें आता है और किंग क्लाउडियस से परमिशन लेके दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है। नेक्स्ट वन इज द गोस्ट ऑफ लेट किंग ऑफ डेनमार्क नेम्ड हैमलेट हु हैड बीन मर्डर्ड बाय क्लाउडियस। ही आस्क्स हैमलेट टू अवेंज हिम। उसके बाद है जी होरेशियो, ही इज द क्लास फेलो एंड बेस्ट फ्रेंड ऑफ हैमलेट एंड रिमेन्स लॉयल थ्रू आउट द प्ले। ये सबसे अच्छा दोस्त होता है हैमलेट का, जो पूरे ड्रामा में उसके साथ लॉयल रहता है। एट द एंड व्हेन हैमलेट वाज डाइंग ही आस्क्ड हिम टू टेल द ट्रू स्टोरी ऑफ हैमलेट। ये पहले एल्सिनोर पैलेस में हैमलेट के जो फादर थे उनकी जो फ्यूनरल सेरेमनी थी उसको अटेंड करने के लिए आया था। तो एंड पे जब हैमलेट की डेथ होती है तो ये कहता है कि मैं भी सुसाइड कर लूंगा, लेकिन हैमलेट इसको रोक देता है कि तुमने मरना नहीं है बल्कि तुमने मेरी जो सच्ची कहानी है वो अवाम को बतानी है। नेक्स्ट वन इज मर्सिलेस एंड बर्नार्डो। द गॉड्स ऑफ एल्सिनोर दे फर्स्ट सी द गोस्ट एंड टेल होरेशियो अबाउट इट। पहले जो गोस्ट है वो 2 दिन आता है तो ये उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो गोस्ट है वो उनसे बात नहीं करता। फिर तीसरे दिन ये क्या करते हैं,
होरेशियो को भी अपने साथ बुलाते हैं। होरेशियो को बुलाने की दो रीजंस होती हैं, एक तो ये इसको बहुत ज्यादा एजुकेटेड स्कॉलर समझते हैं कि उसको अच्छे वे से गोस्ट से बात करनी चाहिए, शायद वो इसकी बातों का जवाब दे, और दूसरी रीजन ये होती है कि जब ये होरेशियो को गोस्ट के बारे में बताते हैं तो ये उनका ट्रस्ट नहीं करता, वो कहता है कि नहीं तुम लोग ऐसे झूठ बोल रहे हैं। तो इसके इस वहम को दूर करने के लिए भी ये होरेशियो को अपने साथ तीसरी रात अपने साथ लाते हैं। उसके बाद जो मेन करेक्टर है वो है रिनाल्डो का, ही इज द सर्वेंट ऑफ लोनियस हु सेंड्स हिम फ्रांस टू स्पाई ऑन हिज सन लैरिटीज। देन ऑसरिक है द कोर्टियर हु इन्फॉर्म हेमलेट अबाउट द डुअल विद लैरिटीज। देन फिर हेमलेट के क्लास फेलोज हैं रोजनक्रांट्स एंड गिल्डेनस्टर, दे आर द क्लास फेलोज ऑफ हेमलेट एंड डाइड इन इंग्लैंड एट द एंड ऑफ द प्ले। ये दोनों जो है ये हेमलेट के एंटी काम करते हैं पूरे प्ले में, जो एंड पे मारे जाते हैं। उसके बाद फोर्टीन ब्रास है, ही बिकेम न्यू किंग ऑफ नॉर्वे आफ्टर हिज फादर्स डेथ हुज नेम वाज आल्सो फोर्टीन ब्रास, हु वाज किल्ड बाय फादर ऑफ प्रिंस हेमलेट हुज नेम वाज आल्सो हेमलेट। यहाँ पे मेन बात ये याद रखने वाली है कि जो फोर्टीन ब्रास है इसका जो फादर था उसका नाम भी फोर्टीन ब्रास ही था। इसी तरह ये जो ड्रामा है इसको भी शॉर्ट में हेमलेट कहते हैं, इसका जो हीरो है उसका नाम भी हेमलेट है, और हेमलेट का जो फादर था द लेट किंग ऑफ डेनमार्क उसका नाम भी हेमलेट ही था। सो अब हम इसकी समरी के बारे में डिस्कस करते हैं। इस प्ले की ओपनिंग एल्सिनोर पैलेस से होती है, उस वक्त विंटर होता है और ये एक डार्क नाइट होती है। यहाँ पे एक पहरादार फ्रांसिस्को की ड्यूटी खत्म होती है तो उसके बाद मार्सिलस आता है, वो कहता है कि जाते हुए बर्नार्डो को भेजते जाना और उसे कहना कि होरेशियो को भी अपने साथ लेता आए। इसके बाद वो चला जाता है और कुछ देर के बाद ही बर्नार्डो और होरेशियो वहाँ नींद में आते हैं, इनको वो जैसे कि नींद से उठ के आते हैं और इसको सलाम कहते हैं। बर्नार्डो उससे पूछता है कि वो भूत जो पहले 2 रातों से आ रहा है क्या वो आया या नहीं, तो वो कहता है कि वो अभी नहीं आया। उन्होंने ये भूत वाली बात होरेशियो को बताई थी लेकिन होरेशियो ने इनकी बात पे यकीन नहीं किया था, इसलिए वो होरेशियो को आज साथ लेके आए हैं। वो कुछ देर बातें करते हैं तो कुछ देर के बाद वो जो भूत है वो तीसरी रात यानी कि उस रात भी वो तीसरी दफा आ जाता है। वो होरेशियो को कहते हैं कि भूत से तुम बातें करो क्योंकि ये हमसे तो बहुत बात नहीं करता। इसके अलावा होरेशियो को बुलाने की एक और वजह भी है कि वो होरेशियो को एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर समझते हैं, इसलिए वो उसे कहते हैं कि तुम इससे बात करो। होरेशियो पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, डरते डरते भूत को कहता है कि बताओ तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो। बादशाह के इस भूत ने जंगी लिबास पहना हुआ है। होरेशियो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है इससे बात करने की लेकिन वो भूत बात नहीं करता। इस तरह मुर्गे की आवाज़ आती है और वो भूत वहाँ से चला जाता है, क्योंकि मुर्गे की आवाज़ का मतलब था कि उस वक्त सुबह होने वाली थी, इसलिए वो भूत वहाँ से चला जाता है। होरेशियो और बाकी सब लोग ये फैसला करते हैं कि हमें ये बात शहजादा हेमलेट को बतानी चाहिए, शायद भूत उससे कोई बात करे। इसके बाद जो सीन आता है वो महल की तरफ हो जाता है, यहाँ पे क्लाउडियस की शादी की और बादशाह बनने की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। वहाँ पे महल में बादशाह की भी काफ़ी तारीफें हो रही हैं क्योंकि जो क्लाउडियस है वो बादशाह के तौर पर काफ़ी अच्छा निज़ाम चला रहा है, क्योंकि वो इस ज़मीन की हिफाजत कर रहा है जो मरहूम बादशाह ने फोर्टीन ब्रास से जीती थी, क्योंकि मरहूम बादशाह ने फोर्टीन ब्रास को डुअल के मुकाबले में मार दिया था, जिससे इसने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जमीन विन की थी। तो अब क्लाउडियस इस जमीन की हिफाजत कर रहा है, इसलिए क्लाउडियस की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। मजीद ये कि क्लाउडियस अपने दरबार से पैगाम रसां को वहां पर भेजता है कि तुम फोर्टीन ब्रास यानी कि जो बादशाह था वो भी फोर्टीन ब्रास था और इसका जो बेटा था इसका नाम भी फोर्टीन ब्रास ही है, कि तुम फोर्टीन ब्रास के चाचा के पास जाओ और उसे कहो कि वो अपने भतीजे से फोर्टीन ब्रास को रोके ताकि वो हमला करने वाली कोई बेवकूफ़ी ना करे, क्योंकि फोर्टीन ब्रास की जब डेथ होती है तो उसके बाद जो उसका बेटा है फोर्टीन ब्रास वो डेनमार्क पे हमला करना चाहता है और अपने बाप की जो जमीनें थीं जो प्रिंस हैमलेट के बाप ने ली थी वो उनको वापस लेना चाहता है।
तो क्लॉडियस जो है वो अपना मैसेंजर भेजता है इसके चचा के पास कि उसको रोको क्योंकि जंग में कोई फायदा नहीं है। पैगाम रसान चले जाते हैं जो बाद में वापस आते हैं और बताते हैं कि इनकी बादशाह ने क्लॉडियस की बात को मान लिया है, यानी कि जो फोर्टिनब्रास है उसका जो चचा है वो उसको रोक देता है कि तुमने डेनमार्क पे हमला नहीं करना। इसलिए अब फोर्टिनब्रास डेनमार्क में हमला नहीं करेगा बल्कि वो पोलैंड पे हमला करेगा। इसके बाद सीन तब्दील होता है, चेंज होता है और होरेशियो और बाकी सब लोग हैमलेट के पास आते हैं। प्रिंस हैमलेट होरेशियो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। वो कहता है कि मैं तुम्हारे यानी कि द लेट किंग के फ्यूनर की सेरेमनी अटेंड करने आया था। वो बताते हैं कि तुमसे एक अहम बात करनी है। इनकी बात सुन हैमलेट उनकी बात सुनता है। वो हैमलेट को भूत वाली बात सारी बताते हैं। हैमलेट फैसला करता है कि वो एक रात के लिए इनके साथ जाएगा और देखेगा कि कोई भूत आता है या नहीं, और अगर आता है तो मैं इससे बात करने की कोशिश करूंगा। अगली रात यानी कि चौथी रात जब हैमलेट वॉचमैन के साथ खड़ा होता है तो भूत आता है। हैमलेट उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन भूत उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। हैमलेट इसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन होरेशियो और बाकी सब लोग इससे रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि वो हैमलेट को पकड़ लेते हैं। हैमलेट कहता है कि मुझे छोड़ दो, अदरवाइज मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। वो उसे डर के छोड़ देते हैं। हैमलेट भूत के पीछे चलना जारी रखता है। वो काफी चलता है तो वो थक जाता है और आखिर में भूत से कहता है कि जो बात तुमने मुझसे करनी है वो यहाँ ही कर लो क्योंकि मैं मजीद नहीं चल सकता क्योंकि मैं थक गया हूँ। तो वो जो भूत है वो कहता है चलो ठीक है, मेरे पास भी टाइम कम है तो मैं तुम्हें मुख्तसरन बात बता देता हूँ। तो वो जो भूत है वो हैमलेट को कहता है कि मैं तुम्हारे बाप का भूत हूँ और मैंने तुम्हें ये राज बताना है कि मेरी मौत एक नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि तुम्हारे चचा जो अब बादशाह बना हुआ है इसने मुझे मारा है। मैं सो रहा था तो उसने मेरे कान में जहर डाल दिया, लिहाजा मुझे किसी सांप ने नहीं डसा बल्कि वो इस सांप ने डसा जो अब बादशाह बन के बैठा है। यानी कि प्रिंस हैमलेट के जो फादर थे द लेट किंग ऑफ डेनमार्क वो एक बाग में सो रहे थे तो क्लाउडियस ने उनके कान में जहर मारकर उन्हें मार दिया और बाकी सारे लोगों को बताया कि बादशाह को एक सांप ने डसा है, इस तरह उनकी डेथ हो गई। अब जो भूत है वो हैमलेट से वादा लेता है कि तुमने किसी को ये बात बतानी नहीं है, दूसरा कि तुमने मेरी मौत का बदला लेना है। साथ में वो हैमलेट को ये भी कहता है कि तुमने अपनी मदर से किसी किस्म की बदतमीजी नहीं करनी। इसके बाद भूत चला जाता है। तब तक वहाँ पे होरेशियो और इसके बाकी दोस्त भी वहाँ पे आ जाते हैं। हैमलेट इनको सारी बात बताता है और उनसे वादा लेता है कि तुम लोगों ने ये बात किसी को भी नहीं बतानी। इसी दौरान भूत दोबारा आता है और भूत भी होरेशियो लोगों को कहता है कि तुम लोगों ने ये बात किसी को नहीं बतानी। होरेशियो इसके दोस्त हैमलेट और गोस्ट से वादा करते हैं कि ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। इसके बाद हैमलेट इनसे एक और वादा भी लेता है कि अगले कुछ दिनों में मैं जैसा भी बर्ताव करूं तुम लोगों ने ये राज किसी को नहीं बताना। वो सारे लोग वादा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद जो सीन है वो दोबारा एल्सिनोर में आता है जहाँ पे एपोलोनियस अपने बेटे लैटीज के साथ आया हुआ है और क्लॉडियस उसे कहता है लैटीज आपसे बात करना चाहता है। बादशाह उसे कहता है कि हाँ बताओ। लैटीज कहता है कि जनाब मैं वापस फ्रांस जाना चाहता हूँ, मैंने अपने बाप से तो इजाज़त ले ली है इसलिए अब आपके पास आया हूँ। क्लॉडियस उसे कहता है कि तुम्हें इजाज़त है तुम जा सकते हो। इसके बाद जो पोलोनियस अपने बेटे को नसीहत करता है कि तुमने कोई बुरा बुरा काम नहीं करना, बुरी संगत में नहीं जाना, तुमने जुआ नहीं खेलना, शराब नोशी नहीं करनी, इस तरह की नसीहतें करता है। लैटीज अपने बाप से वादा करता है कि मैं कुछ बुरा काम नहीं करूंगा। इसके बाद लैटीज अपनी सिस्टर ओफीलिया को बताता है कि तुम्हें मैंने हैमलेट के साथ काफी देखा है, हैमलेट एक अच्छा इंसान नहीं है, लिहाजा तुम उससे दूर रहो और अपने आप को पाक रखो। वो ओफीलिया उससे वादा करती है कि मैं उससे दूर रहूंगी। इससे पहले एपोलोनियस भी ओफीलिया को ये कह चुका है कि तुम हैमलेट से दूर रहो और ओफीलिया अपने बाप को भी वादा कर चुकी है कि वो हैमलेट से दूर रहेगी। इसके बाद हैमलेट ओफीलिया से मिलना बंद कर सॉरी इसके बाद ओफीलिया जो है वो हैमलेट से मिलना बंद कर देती है। इसके बाद सीन दोबारा एल्सिनोर महल में आता है और क्लॉडियस और गर्टरूड हैमलेट से बात करने की कोशिश करते हैं।
कि तुम अपने बाप की मौत का ज्यादा गम कर रहे हो। हर इंसान ने मरना है, सो तुम्हारे बाप की भी मौत हो गई, इसलिए अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। हैमलेट बहुत ज्यादा परेशान है और उसे अपनी वालदा पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसकी वालदा ने इसके फादर की डेथ के 2 माह बाद ही क्लाउडियस से शादी कर ली, और वो भी हैमलेट के चचा के साथ। हैमलेट इसको गुनाह समझता है। बादशाह और मलका हैमलेट को बहुत ज्यादा समझाते हैं, लेकिन हैमलेट इनसे कोई खास बात नहीं करता। इसके बाद हैमलेट खुद से बातें करता है और वहां पे कहता है, फ्रेल्टी दाय नेम इज वूमन, मतलब औरत तुम्हारा नाम ही कमजोरी है। यहाँ पे वो औरतों के बारे में बात कर रहा है कि औरतें जो हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, उनको आसानी से सेक्स के लिए वरगलाया जा सकता है, इसलिए वो कहता है कि मेरे चचा ने मेरी माँ को वरगला लिया। खैर, हैमलेट बहुत ज्यादा परेशान है। उसके बाद बादशाह और मलका फैसला करते हैं कि हैमलेट के 2 क्लास फेलोज, जिनके नाम रोजनक्रांट्स एंड गिल्डरस्टन हैं, इनको बुलाते हैं और इनको काम सौंपते हैं कि तुम हैमलेट के साथ रहो और पता करो कि इतना ज्यादा हैमलेट परेशान क्यों है और इसको सही करो। वो बादशाह से वादा करते हैं कि वो ये काम करेंगे। इसके बाद वो हैमलेट से मिलते हैं और हैमलेट से बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैमलेट को पता है कि इसको मेरे चचा ने भेजा है। वो बहुत कोशिश करते हैं पता करने की ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से वो परेशान है, लेकिन हैमलेट इनको नहीं बताता, बल्कि उल्टा हैमलेट कहता है कि तुम्हें बादशाह तुमसे मिलेगा और वो तुम्हें कहेगा कि हैमलेट बहुत अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, तुम इसका पता करो। यहाँ पे हैमलेट बता रहा है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे चचा ने भेजा है, सो वो उनको कोई राज की बात नहीं बताता। इसके बाद वो हैमलेट को बताते हैं कि तुमको खुद को ठीक करो। मजीद वो ये कहते हैं कि हमने ड्रामा करने वाले एक ग्रुप जो रास्ते में मिला था उन्हें, हमने उन्हें कहा है कि वो पैलेस में आए और कोई ड्रामा करें। ड्रामा देख कर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हैमलेट कहता है कि इनका काम तो शहर में बहुत अच्छा चल रहा था, लिहाजा वो दूर दराज जगहों पे जाकर ड्रामे क्यों कर रहे हैं। तो वो उन्हें कहते हैं कि वहां पे इनकी जगह जो है वो छोटे आर्टिस्ट, इनके यंग जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने ले ली है, लिहाजा वहाँ सिटी में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम होगी, इसलिए वो दूर दराज जगहों में जाकर ड्रामे कर रहे हैं। हैमलेट को इनकी बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है कि एक तजर्बाकार फनकार की जगह कुछ छोटे बच्चे कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे हैमलेट डबल मीनिंग में बात कर रहा है कि मेरे अब्बू जो थे वो बहुत ज्यादा तजर्बाकार थे, अच्छे थे, और इनकी जगह अब क्लाउडियस जो एक इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वो बादशाह बन गया है। खैर, हैमलेट वहां से चला जाता है। इसके बाद क्लोनिस अपने बेटे की जासूसी के लिए रिनाल्डो को पैसे देकर भेजता है कि तुमने फ्रांस में जाना है और मेरे बेटे से दोस्ती करनी है और तुमने इस पे नजर रखनी है कि ये किसी बुरे काम में मुलव्वस तो नहीं। उसके बाद ओफीलिया अपने बाप क्लोनिस के पास आती है और उसे बताती है कि प्रिंस हैमलेट मेरे पास आया था, इसके बूट के तस्मे खुले थे और उसकी शर्ट थी, इसके बटन भी खुले थे और वो बहुत ही बुरी हालत में था, इसके बाल बिखरे हुए थे। इसे मेरी कलाई को बहुत जोर से पकड़ा और उसके बाद मेरे चेहरे को देखता रहा, फिर वो चला गया। मुझे लगता है हैमलेट पागल हो गया है। इसके बाद वो क्लोनिस फैसला करता है कि वो ये बात बादशाह और मलका को बताएगा। इसके बाद क्लोनिस बादशाह के पास आता है और इसको ये सारी बात बताता है। इसके बाद क्लोनिस बताता है कि मेरे पास एक तरकीब है, हम वो अप्लाई करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि ओफीलिया और हैमलेट की एक मुलाकात करवाएंगे और उनकी छुपके बातें सुनेंगे, इस तरह हमें पता चल जाएगा कि रियल में मैटर क्या है। इसके बाद जो प्लोनिस क्लाउडियस से इजाजत लेता है और कॉरिडोर में आ रहा होता है, इसको हैमलेट मिलता है जो एक किताब पढ़ रहा है। वो हैमलेट से बात करने की कोशिश करता है कि बताओ मैं कौन हूँ। हैमलेट कहता है कि तुम फिश मंगर हो। वो कहता है कि मैं फिश मंगर नहीं हूँ। वहां पे हैमलेट प्लोनिस की काफी सारी इंसल्ट करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पे वो ड्रामा करने वाले ग्रुप को था, वो सीन अब चल रहा है। वो महल में आते हैं, हैमलेट इनसे बहुत अच्छे तरीके से मिलता है क्योंकि वो उनमें से काफी लोगों को जानता भी है, क्योंकि ये फेवरेट ग्रुप है हैमलेट का ड्रामा करने में, और इनका जो हेड है इससे कोई एक यूनानी कहानी के बारे में बात करता है। यानी कि जो हैमलेट है ना, वो जो ड्रामा करने वालों का ग्रुप था उसका जो हेड था, उससे बातें करते हुए एक ग्रीक मिथ थी उसके बारे में भी बात करता है, और इसके बाद कहता है कि तुम ड्रामा महल में कौन सा कर रहे हो। वो कहता है कि हम मर्डर ऑफ गोंजैगो ड्रामा परफॉर्म करेंगे। तो हैमलेट कहता है कि इसमें मैं कुछ तब्दीली करूंगा, क्या तुम वो सीन कर लोगे। तो उनका जो बॉस है, हेड है, वो कहता है कि जी बिल्कुल हम वो कर लेंगे।
इस तरह हैमलेट जो है वो अपने फादर की जो डेथ का सीन है, जिस तरह उसे गोस्ट ने बताया था, वो हैमलेट जो है वो उनके ड्रामा में उनको लिख के दे देता है। इसके बाद सीन वो दोबारा चेंज हो जाता है और ओफीलिया और हैमलेट की मुलाकात करवाई जाती है, और क्लाउडियस और प्लोनियस जो है वो छुप कर उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन हैमलेट को इस बात का पता है, हैमलेट ओफीलिया से मिलता है और इसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। वो ओफीलिया के पास इस वक्त एक दुआओं वाली किताब होती है जो इसके बाप प्लोनियस ने इसने उसे दी थी। हालांकि प्लोनियस को ये पता था कि नेक होने की एक्टिंग करना एक गुनाह है, लेकिन वो कहता है कि चलो एक दफा की कोई बात नहीं। हैमलेट इसके हाथ में दुआओं वाली किताब देकर इस पर तंज करता है और वो ये भी कहता है कि तुम मेरे लिए भी दुआ करना। इसके बाद ओफीलिया से इसके कुछ खत और उसके जो कुछ तोहफे होते हैं वो वापस करती है, और इनकी गुफ्तगू से लगता है कि शायद इनके दरमियान कोई कभी सेक्स रिलेशनशिप भी रहा है। खैर हैमलेट वहां पे ओफीलिया की बात बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है और उससे पूछता है कि तुम ऑनेस्ट हो। यहाँ हैमलेट को पता है कि मेरे साथ ये चाल चली जा रही है और मेरी जो बातें हैं वो सुनी जा रही है, क्योंकि वो वहां जहाँ बादशाह और ओफीलिया का बाप खड़े होते हैं इनकी तरफ इशारा भी करता है। एंड पे हैमलेट ओफीलिया को कहता है कि तुम किसी नंदी में चली जाओ और शादी ना करो, क्योंकि अगर तुम शादी करोगी तो औलाद होगी, इसमें से भी लोग पैदा होंगे, तो दुनिया में बुराई बढ़ जाएगी। क्योंकि हैमलेट के मुताबिक दुनिया में सब जो मर्द हैं वो बहुत बुरे हैं, लिहाजा हैमलेट उसे कहता है कि तुम शादी ना करो और मर्दों से दूर रहो। इसके बाद सीन अगेन चेंज होता है इस ड्रामा को, यानी कि उस वक्त वो जो प्ले में ड्रामा होना था वो सीन आता है, और उस ड्रामा को प्ले विद इन प्ले या माउस ट्रैप भी कहा जाता है। ड्रामा शुरू होने से पहले हैमलेट प्लोनियस से पूछता है कि क्या कभी इसने अपने कॉलेज के दिनों में एक्टिंग की, तो प्लोनियस बताता है कि हाँ इसने एक्टिंग की है, उसे ड्रामा में जूलियस सीजर का किरदार करना बहुत अच्छा लगता था। इसकी बात सुनकर हैमलेट कहता है कि बहुत अफसोस है कि ब्रूटस ने उसको बहुत बेदर्दी से मार दिया था। उसके बाद ड्रामा जो है वो स्टार्ट होता है, यानी कि प्ले के अंदर जो प्ले होना था वो स्टार्ट होता है। हैमलेट को गर्टरूड कहती है कि तुम मेरे साथ बैठो, लेकिन हैमलेट कहता है कि मैं ओफीलिया के साथ बैठूंगा। हैमलेट ओफीलिया के साथ बैठता है और उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है और तरह तरह से उस पर तंज करता है। इससे पहले हैमलेट अपने दोस्त रेशियो को बता चुका है कि तुमने जब वो फलां सीन आएगा तो मेरे चचा यानी कि बादशाह के फेस एक्सप्रेशन देखने हैं, क्योंकि इसके फेस एक्सप्रेशन देखने से हमें पता चल जाएगा कि जो भूत ने बात बताई है वो सही है या गलत है। क्योंकि हैमलेट कहता है कि भूत शैतान भी हो सकता है, क्योंकि शैतान हर इंसान की शक्ल में आ सकता है, इसलिए हैमलेट भूत की बात को कंफर्म करना चाहता है कि वाकई भूत जो था वो सही बता रहा था या वो जो भूत आया था वो शैतान था। ड्रामा परफॉर्म होता है, जब वो सीन आता है तो बादशाह के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और बादशाह वहां से उठ के चला जाता है। अब होरेशियो और हैमलेट को कंफर्म हो जाता है कि वाकई लेट किंग का जो कत्ल है वो क्लाउडियस ने ही किया है। उसके बाद सीन जो है वो दोबारा चेंज होता है और एक मैसेंजर हैमलेट को कहता है कि मलका तुमसे मिलना चाहती है। वो कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। उसके बाद हैमलेट देखता है कि जो क्लाउडियस है वो से वो दुआ मांग रहा है। यहाँ पे क्लाउडियस अपने गुनाह का खुदा के सामने इतराफ कर चुका होता है और दुआ मांग रहा होता है, इनके तौबा कर रहा होता है। हैमलेट उसे कत्ल करने के इरादे से आता है, लेकिन जब हैमलेट उसे दुआ मांगते हुए और तौबा करते हुए देखता है तो वो उसे कत्ल करने का इरादा तर्क कर देता है, क्योंकि हैमलेट सोचता है कि अगर मैंने अपने चचा को तौबा करते हुए या दुआ मांगते हुए कत्ल किया तो हो सकता है ये जन्नत में चला जाए। लेकिन वो क्लॉडियस को जन्नत में भेजना नहीं चाहता, क्योंकि उसका जो बाप है वो जहन्नम में जल रहा है, क्योंकि भूत ने बताया था कि मैं जहन्नम हूँ। इस तरह जो हैमलेट है वो भी कहता है कि मेरे चचा को भी जहन्नम में जाना चाहिए, लिहाजा वो उसको उस वक्त नहीं कत्ल करता और फैसला करता है कि वो क्लॉडियस को उस वक्त कत्ल करेगा जब वो सेक्स कर रहा होगा या कोई और बुरा काम जैसे कि शराब पी रहा होगा, तो उस वक्त उसको मैं कत्ल करूंगा ताकि वो भी मेरे बाप की तरह जहन्नम में जाए। अब बादशाह फैसला करता है कि वो हैमलेट को इंग्लैंड भेज देगा ताकि इससे जान छुड़वाई जा सके। इसके बाद हैमलेट मलका के कमरे में जाता है जहाँ पे प्लोनियस छुपकर इनकी बातें भी सुनने की कोशिश करता है। इस बात का मलका को भी पता होता है।
यानी कि जो ब्लू ने स्थान है उसने पहले मलका से परमिशन ली थी कि मैं हैमलेट की बातें सुनना चाहता हूँ। तो मलका ने उसको इजाजत दी थी कि ठीक है तुम पर्दे के पीछे छुन के पर्दे के पीछे छुप कर बातें सुन सकते हो। हैमलेट मलका के क्वीन मलका के पास जाता है और इसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है या बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। तो वहां पे भूत है वो आ जाता है, यानी कि हैमलेट के बाप का गोस्ट जो है भूत जो है वो आ जाता है। जब वो हैमलेट को बेइज्जती करते हुए देखता है तो जो भूत है वो उसे रोकता है कि तुमने अपनी माँ के साथ बुरा सलूक नहीं करना। तो हैमलेट भूत की बातें सुनकर थोड़ा सा कूल हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो भूत था वो क्वीन गर्ट्रूड को नजर नहीं आता, इसलिए जो मलका है वो समझती है कि जो हैमलेट है ये हवा में बातें कर रहा है, यानी कि वो समझती है कि हैमलेट वाकई ही क्या हो गया है, पागल हो गया है। भूत के आने से हैमलेट थोड़ा सा ठीक हो जाता है, लेकिन वो अपनी माँ को बताता है कि मेरे बाप को तुम्हारे मौजूदा शौहर ने कत्ल किया है। तुम इतना गुनाह इस तरह कैसे कर सकती हो कि मेरे बाप के या अपने शौहर के कातिल के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती हो। वो उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है। इसी दौरान हैमलेट को पता चलता है कि इनकी बातें सुनी जा रही हैं। हैमलेट समझता है कि शायद पर्दे के पीछे इसका चचा क्लाउडियस है, इसलिए वो तलवार से वार करता है और इसको मार देता है। लेकिन उसके बाद जब वो देखता है तो वो प्लूनियस होता है। इस तरह यानी कि गलतफहमी में क्लाउडियस की जगह प्लूनियस मारा जाता है। हैमलेट इसकी डेड बॉडी को लेकर कहीं छुपा देता है। जब इस बात का पता चलता है तो क्लाउडियस भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, यानी कि प्लूनियस की डेथ का जब बादशाह को क्लॉडियस को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। और क्लॉडियस हैमलेट को इसके क्लास फेलोज के साथ इंग्लैंड भेज देता है और उन्हें खत देता है जिसमें लिखा होता है कि जब भी हैमलेट दरबार में पहुंचे इसको मार दिया जाए। हैमलेट को भी इस बात का पता था, इसलिए उसने अपनी मदर को यानी कि क्वीन गर्ट्रूड को ये पहले ही बता दी थी कि अब क्लॉडियस मुझे इंग्लैंड भेजेगा। और वो ये भी कहता है कि ये कोई मुल्की काम नहीं है बल्कि ये मुझसे जान छुड़वाना चाहता है और मुझे मारना चाहता है। इट मीन्स हैमलेट के भी बहुत ज्यादा जासूस थे महल में। इसके बाद हैमलेट सफर पर रवाना होता है। इसके बाद ओफीलिया मलका से मिलने आती है। मलका पहले तो इनकार करती है लेकिन इसके बाद उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। ओफीलिया अपने बाप की मौत के बाद अब पागल हो चुकी है और मौत के गाने गा रही है। इसके बाद लैटीज आता है जो बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में है। क्लॉडियस उसे बताता है कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे बहन के पागल होने के पीछे या इसकी जो वजह है वो हैमलेट है। लैटीज बादशाह को कहता है कि तुमने हैमलेट को मारा क्यों नहीं। तो वो कहता है कि यहाँ इसको मैं नहीं मार सकता क्योंकि हमारी जो रियाया है वो हैमलेट से बहुत ज्यादा प्यार करती है और हैमलेट की यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, लिहाजा मैं हैमलेट को यहाँ पे नहीं मार सकता। लेकिन वो कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैंने उसे जान छुड़वाने के लिए यानी कि उसको मारने के लिए इंग्लैंड भेज दिया है और वो जब भी इंग्लैंड पहुंचेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। उनकी जब ये गुफ्तगू या कम्युनिकेशन हो रही होती है तो एक मैसेंजर आता है जो बताता है कि ओफीलिया ने खुदकुशी कर दी है, लिहाजा जो लैटीज है वहां से परेशानी में जल्दी से चला जाता है। उसके बाद सीन दोबारा चेंज होता है और दो कब्र खोदने वाले जो हैं वो कब्र खोद रहे होते हैं। वो आपस में बातें करते हैं, इनमें से एक कहता है कि इस लड़की ने खुदकुशी की है तो फिर इसको प्रॉपर बरियल क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ईसाई रसूमात के मुताबिक जो इंसान खुदकुशी करता है उसको बरियल नहीं दिया जाता। तो दूसरा जो कब्र खोदने वाला है वो उसे कहता है कि ये लड़की कोई बड़े रुतबे वाली है इसलिए इसको खुदकुशी के बावजूद भी सादा सा बरियल दिया जा रहा है। इस तरह वो बातें करते हैं, देन उनमें से एक कहता है कि तुम जाओ और शराब ले आओ। इसके बाद जो सीन है वो दोबारा चेंज होता है और महल में एक खत आता है जिससे पता चलता है कि हैमलेट बच गया है, क्योंकि हैमलेट जब दहली सफर पे जा रहा था तो 2 दिनों के सफर के बाद समुद्री डाकू ने जहाज पे हमला किया और हैमलेट इनके जरिए बच गया और वो वापस एल्सिनोर पैलेस आ रहा है। अब जो क्लाउडियस है वो और ज्यादा परेशान हो जाता है, वो हैमलेट को खत्म करने का एक नया प्लान बनाता है। एनीवे जब हैमलेट आता है तो वो देखता है कि दो कब्र वाले कब्र खोद रहे हैं। उस वक्त इसके साथ होराशियो भी होता है। वो कब्र खोदने वालों से पूछता है कि तुम ये किसकी कब्र खोद रहे हो, तो वो उसको सही कोई जवाब नहीं देते। खैर हैमलेट इनसे सख्ती करता है और पूछता है, तो वो बताते हैं कि यहाँ पे कोई लड़की है जिसकी कब्र खोदी जा रही है। हैमलेट को इस बात उनकी बात समझ नहीं आती। खैर वहां पे उन्हें एक खोपड़ी मिलती है और हैमलेट उसको
उससे उन कब्र खोदने वालों से पूछता है कि ये किसकी खोपड़ी है। तब उसे कहता है कि ये दरबार का एक जेस्चर हुआ करता था जिसका नाम योरिक था, उसकी खोपड़ी है। हैमलेट कहते हैं हाँ मैं ही उसे याद कर सकता हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था तो वो मुझे खिलाया करता था। उसके बाद हैमलेट उनसे पूछता है कि जब एक इंसान की डेथ हो जाती है तो कितने सालों में इसकी जो डेड बॉडी है वो डिकम्पोज होती है। तो वो जो ग्रेव डिगर होता है वो बताता है कि एक इंसान की जो डेड बॉडी है वो तकरीबन 9 साल के अंदर डिकम्पोज हो जाती है। इसके बाद हैमलेट देखता है कि कोई फ्यूनरल आ रहा है। प्रिंस हैमलेट छुप जाते हैं। जब हैमलेट देखता है कि ये तो ओफीलिया की डेड बॉडी है तो हैमलेट को बहुत ज्यादा परेशानी होती है और वो वहां पे जनाजे में आ जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि लैटिस कब्र में है और अपनी बहन की बहन का मातम कर रहा है और कहता है कि मैं अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो वहां पे हैमलेट भी कब्र में छलांग लगाता है और कहता है कि मैं ओफीलिया से 40,000 40,000 ब्रदर से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इस तरह वहां हैमलेट इकरार करता है कि वो वाकई ओफीलिया से प्यार करता था। एनीवेज वो आपस में लड़ने लगते हैं, वहां पे उनको छुड़ाया जाता है। इसके बाद बादशाह लैटिस से मिलकर प्लान बनाता है कि तुम फेंसिंग में बहुत ज्यादा माहिर हो, ठीक है, फेंसिंग में, तो तुम हैमलेट को चैलेंज करोगे कि वो तुम्हारे साथ फेंसिंग का एक मैच करे। तुम्हें जो तलवार दी जाएगी इस पे जहर लगा होगा, अगर हैमलेट को एक भी कट आ गया तो वो मर जाएगा। इसके अलावा हम एक और काम भी करेंगे, जब वक्फे के दौरान हैमलेट को शराब दी जाएगी तो उसमें भी जहर मिला होगा, अगर वो तुम्हारी तलवार से बच गया तो उससे जहर से मारा जाएगा। यह सारा मनसूबाबंदी के बाद मैच शुरू होता है। इसमें हैमलेट पहला राउंड विन कर लेता है। हैमलेट को शराब दी जाती है जिसमें जहर होता है, लेकिन हैमलेट पीने से इनकार कर देता है। इसके बाद दूसरा राउंड भी हैमलेट जीत जाता है। उसके बाद दोनों की तलवारें गिरती हैं, यानी कि हैमलेट और लैटीज की जो तलवारें हैं वो गिर जाती हैं और उठाते हुए वो क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं। यानी कि हैमलेट की जो तलवार है वो लैटीज के पास चली जाती है और जो लैटीज की है वो हैमलेट के पास आ जाती है। इसी दौरान मलका वही गिलास जिसमें जहर मिला होता है वो शराब पी जाती है। क्लॉडिस थोड़ा दूर बैठा होता है, इससे पहले कि वो मलका को रोके शराब पीने से, उससे पहले जो मलका है वो शराब पी चुकी होती है। इस तरह मलका जो है वो मर जाती है, लेकिन वो मरते हुए कहती है कि इसमें जहर था। लैटिस पहले मर जाता है, लेकिन मरते ही वो बता देता है कि मुझे क्लाउडियस ने ये सब मनसूबा समझाया था, या क्लाउडियस का ये सारा मनसूबा है। तो हैमलेट उस वक्त क्लाउडियस पे हमला करता है और उसका जो गला है वो काट देता है और वो जो शराब है वो भी उस पर उल्टा देता है। इसके बाद जो हैमलेट है वो भी मर जाता है, लेकिन वो मरते हुए जो होरैशी वो इसको कहता है कि तुमने मेरी ये जो सच्ची कहानी है ये दुनिया को बतानी है। लेकिन होरैशी कहता है कि मेरे आका आपके बाद मैंने जिंदा रह के क्या करना, मैं भी खुदकुशी करूंगा। लेकिन हैमलेट उसको रोक देता है कि तुमने खुदकुशी नहीं करनी। इस तरह जो होरैशी है वो हैमलेट को गुड बाय कहता है और कहता है गुड बाय स्वीट प्रिंस। उसके बाद जो 14 ब्रास है वो आता है, उसके उसके साथ एक मैसेंजर होता है, यानी कि वो जो इंग्लैंड था उसका एम्बेसडर होता है। तो वो कहता है कि इंग्लैंड में रोजनक्रांत्स और गिल्डेनस्टर्न को बादशाह के हुक्म के मुताबिक मार दिया गया है। और एशियो जो है वो ये जो 14 ब्रास है इसको सारी बात बताता है और उसको ऑफर करता है कि तुम डेनमार्क के बादशाह बन जाओ। वो जो 14 ब्रास है वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और डेनमार्क का बादशाह बन जाता है। इसके साथ वो जो प्रिंस हैमलेट है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी डेड बॉडी जो है उसको दफनाया जाता है और बाकी की जो डेड बॉडीज हैं उनको वहां से साफ कर दिया जाता है। इस तरह ड्रामा के इख्ताम में तकरीबन नहीं शोर 8 लोग मर जाते हैं। एंड पर ये होरेशियो और 14 ब्रास जो हैं ये जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो ड्रामा है वो खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।